हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलर्न इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैट जीपीटी की शॉर्टकट्स, जिनकी हेल्प से आप चैट जीपीटी के बारे में, जैसे आप लास्ट वीडियो में चैट जीपीटी के बारे में जान तो गए ही हैं, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि ये जरूरी है कि चैट जीपीटी होता क्या है। अब हमने ये जान लिया कि चैट जीपीटी क्या होता है, लेकिन हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कैसे करें शॉर्टकट्स की हेल्प से, तो इस क्लास में आपको वही सारी चीजें बताऊंगी और आप क्लास के एंड में वो सारे नोट्स बना लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैट जीपीटी शॉर्टकट्स, इट्स बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। वेलकम, टुडे विल एक्सप्लोर अ कलेक्शन ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स डिजाइन टू मेक योर चैट जीपीटी एक्सपीरियंस मोर एफिशिएंट, कन्वीनियंट एंड प्रोडक्टिव। दीज शॉर्टकट्स आर योर सीक्रेट वेपन फॉर फास्टर इंटरेक्शन। तो आप इससे फास्टर इंटरेक्शन कर सकते हो एंड सीमलेस नेविगेशन, और सीमलेस नेविगेशन बिना माउस के आप नेविगेशन भी कर सकते हो। लेट्स डाइव इन द लर्न एंड हाउ टू अनलॉक अ न्यू लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन चैट जीपीटी। सो व्हाई यूज शॉर्टकट, तो शॉर्टकट यूज क्यों करनी है एफिशिएंसी के लिए। शॉर्टकट स्ट्रीमलाइन योर वर्कफ्लो बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी क्लिक्स। अननेसेसरी क्लिक 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 करना ही क्या करता है, एलिमिनेट करता है मेन्यू नेविगेशन। दे आर अ टाइम सेवर एंड दैट अलाउज अ फोकस ऑन अ टास्क इन हैंड। अपने जो भी टास्क है उस पर आप इन हैंड फोकस कर सकते हो। कन्वीनियंस है, क्विकली एक्सेस कर सकते हो किसी भी फीचर को जस्ट इन अ फ्यू की स्ट्रोक्स। सो बेसिक इनपुट शॉर्टकट्स के बारे में बात करते हैं। बेसिक इनपुट शॉर्टकट्स, नंबर वन इज कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर का यूज हम करते हैं टू सबमिट अ क्वेरी और रिस्पॉन्स। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन टाइप किया तो उसको सबमिट करने के लिए किसी भी क्वेरी या रिस्पॉन्स को, दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू फाइनलाइज योर इनपुट एंड सेंड इट टू द चैट जीपीटी। ये एक फाइनलाइज होता है, जैसे आपने कुछ भी सर्च किया कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो फाइनली आपका जो क्वेरी है वो सबमिट करेगा। देन शिफ्ट प्लस एंटर, इट स्टार्ट अ न्यू लाइन विद इन योर क्वेरी। अपनी जो क्वेरी है उसी में आप शिफ्ट एंटर से एक न्यू लाइन स्टार्ट कर सकते हो टू प्रोवाइड मल्टी लाइन इनपुट विदाउट सबमिटिंग इट येट। ओके, एंड नंबर थर्ड इज ऑल्ट प्लस एंटर। यू कैन सबमिट योर क्वेरी इन मल्टी लाइन मोड, दिस इज यूजफुल व्हेन यू हैव अ लॉन्ग इनपुट विद मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट। नेविगेशन शॉर्टकट, कई बार क्या होता है हमें ऊपर जाना होता है नीचे आना होता है, तो स्क्रोल नहीं करना, कंट्रोल अप करेंगे तो आप ऊपर की तरफ मूव हो सकते हैं और कंट्रोल डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज इन योर चैट सेशन, प्रीवियस मैसेज इन योर चैट सेशन। टैब की क्या करता है, इट नेविगेट थ्रू सजेशंस इनपुट फील्ड्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चैट जीपीटी इंटरफेस। जितने भी चैट जीपीटी में इंटरफेस होते हैं आप टैब की से उसमें आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स, अगर आपको बोल्ड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है ना तो उसके साइड में दो स्टार और एक राइट हैंड साइड में। जैसे अगर मुझे बोल्ड को बोल्ड करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक स्टार लगा देना है, एक दो स्टार यहाँ लगा देने और दो स्टार यहाँ लगा देने, तो ये जो टेक्स्ट होगा ये बोल्ड हो जाएगा। और अगर आपको अंडरलाइन करना है, आपने इटैलिक करना है, अगर किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप क्या करेंगे, एक ये वाला हाइफन लगा देंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे और यहाँ लगा देंगे, तो ये इटैलिसाइज हो जाएगा। तो ये दो शॉर्टकट हो गई, काफी अच्छी है ये भी। एडिटिंग एंड अंडू शॉर्टकट्स, कंट्रोल जेड, जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो गई या कुछ लिखा था आपने वो हट गया या वापस लाना है तो अंडू कर सकते हो कंट्रोल जेड, और अगर वो जो अंडू किया वो वापस लाना है तो आप रिडू कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपने वर्ड एक्सेल में भी सीखी होगी, तो वही बेसिक शॉर्टकट्स है। क्लियरिंग एंड रीसेटिंग, अगर आपको सब कुछ क्लियर करना है, क्लियर द एंटायर चार्ट विंडो, जितने भी आपने चार्ट किए उससे वो सब क्लियर करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट के का यूज करना, इट रिमूव ऑल मैसेज इन योर करंट सेशन। जो अभी वाला सेशन है ना, अभी वाला, वो वाला ये करंट क्लियर कर देगा। कंट्रोल एंड क्या होता है, कंप्लीटली न्यू चैट सेशन ओपन कर सकते हो, इफेक्टिवली इरेजिंग द करंट कॉन्वर्सेशन एंड स्टार्टिंग फ्रेश। ये क्या करता है, करंट वाले को क्लोज करता है, करंट सेशन को क्लोज भी कर देगा और एक न्यू भी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है सर्च एंड फाइंड। सर्च, कंट्रोल एफ का आप यूज कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करने के लिए। ठीक है, जैसे बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन है उसको सर्च करना है तो किसी एक की वर्ड को सर्च कर लो, आप इसमें डायरेक्टली पहुंच जाओगे। कंट्रोल जी का यूज हम करते हैं सर्च फॉर, टू यूज टू नेविगेट थ्रू मल्टीपल इंस्टेंसेज ऑफ द कीवर्ड कीबोर्ड। कंट्रोल जी, जैसे कि आपने एक वर्ड सर्च किया, अब और वर्ड सर्च करने तो कंट्रोल जी का हेल्प कर सकते, हेल्प ले सकते हो आप। एडवांस शॉर्टकट की अगर हम बात करूँ तो एक शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू, जो जो चैट विंडो है उसको क्लोज कर देगी। कंट्रोल शिफ्ट टी का हम यूज करते हैं, जो फटाफट से मैंने अभी से जल्दी से जल्दबाजी में कोई विंडो क्लोज कर दी, वापस से ओपन करनी है, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करना। और कंट्रोल शिफ्ट सी क्या करता है, कॉपी करता है कॉन्वर्जेशन को, जो भी आपने कॉन्वर्जेशन की उसको कॉपी कर लेगा, लेटर ऑन आप उसको शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ।
तो ये एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है, स्क्रीन रीडर मोड, कीबोर्ड नेविगेशन। चैट जीपीटी इज ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल फॉर यूजर्स हु रिलाय ऑन स्क्रीन रीडर्स। नेविगेट थ्रू द एंटायर इंटरफेस यूजिंग जस्ट द टैब एंड एरो कीज। टैब और एरो कीज से आप नेविगेट कर सकते हो अपने इंटरफेस में। सो आई होप आपको ये शॉर्टकट्स पसंद आई होगी, और इन शॉर्टकट्स को अगर आप यूज़ करते हो तो आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकते हो। थैंक यू सो मच।